मिनिमम टाइम जो है 1 आवर है क्लास का, ज्वाइनिंग का। आप एटलीस्ट 1 आवर की क्लास लेंगे तो ब्रदर लगेगी, अदरवाइज। और ये जूम पे रिकॉर्डिंग प्रॉपरली हो रही होती है टाइम की भी, तो वो अगर आपने कम टाइम के लिए लिए तो ऑटोमेटिकली एबसेंट लग जाती है आपकी। जी मैम आप कंटिन्यू कर लें। थैंक यू। अच्छा जी, अभी हम डिस्कस कर रहे थे ये वाले टूल्स जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था उनके लिए। सो पहले हम लोगों ने किया था आर्क टूल। सो मैं अभी जाने से पहले ये बता रही थी कि अगर आप सिंपली आर्क कैसे बनाएंगे तो वो इस तरह से खराब आर्क बनती रहेगी, प्रॉपरली आर्क नहीं बनेगी। सो अगर आप ये चाह रहे हैं कि प्रॉपरली आर्क बने तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपकी प्रॉपरली आर्क बन जाएगी, ठीक है। सेकेंड जो टूल था वो हमारा था रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। सो रेक्टेंगुलर ग्रिड भी सेम वैसे ही है, आप लेफ्ट क्लिक करें और ड्रैग करें। सो आप जिस भी शेप में ग्रिड बनाना चाह रहे हैं, ऐसे वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टली है, थोड़ी सी स्क्वायर शेप में है, इस तरह से आप एक ग्रिड बना सकते हैं। अब इसके अंदर जो लाइंस हैं या कॉलम हैं एंड रोज हैं, हम इन्हें कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और वो कम ज्यादा किस तरह से होगी, जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूटिलाइज करेंगे। सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूटिलाइज करें, इसको वन बाय वन सिलेक्ट करें। कीबोर्ड से आप डाउन एरो की और अप एरो की प्रेस करके आप इसका डिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। और जो हमारा कॉपी लेने का तरीका है ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, आप सेम कॉपीज भी ले सकते हैं जितनी भी आप चाह रहे हैं। इसी तरह से रोज की भी, इसी तरह से आप कॉलम्स की भी ले सकते हैं। और सेम यही वाली चीज जो है हमारी है पोलर ग्रिड के साथ भी, ठीक है। सो ये वाले टूल्स इतने ज्यादा यूटिलाइज नहीं होते हैं, इस वजह से मैंने इतनी सारी इसकी क्यूरीज नहीं ली थी। बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये टूल वर्किंग किस तरह से कर रहा है, अदरवाइज इलस्ट्रेटर में ये ज्यादा यूटिलाइज नहीं होते हैं। सो इजी रहे और मुझे बताएं कि अब जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था क्या उनकी ये वाली चीज क्लियर हो गई है। गुलजेब अभी भी प्लीज रिपीट, बस करते हैं, 3 बज गए अब तो। ओके सो अब आगे चलते हैं और आगे की चीज है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज। फरहान उसे छोड़ दें, आप बाद में आराम से प्रैक्टिस करिएगा, वो हो जाएगा। अभी आगे चलते हैं बिकॉज ये वाले टूल जैसे मैंने बार बार कहा कि ये इतने ज्यादा यूटिलाइज नहीं होते हैं, और मैं किसी एक दिन इलस्ट्रेटर जितना भी हम लोगों ने पढ़ लिया उसकी दोबारा से रिवीजन करवा दूंगी तो उसमें भी कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उनके ऊपर फोकस करते हैं, और वो आज की हमारी चीज है दैट इज टाइप टूल। जितना इम्पोर्टेंट हमारे पास पेन टूल है उतना ही इम्पोर्टेंट, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा टाइप टूल है, ठीक है। टाइप टूल के साथ भी यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, और इसका ये मतलब है कि इसके अंदर भी कुछ और टूल्स पड़े हुए हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें काफी सारे से और टूल्स नजर आ रहे हैं जिनको हमने आज डिस्कस करना है। सो सबसे पहले जी टाइप टूल के ऊपर आ जाएं। टाइप टूल काम क्या करता है, ये लिखने के काम आता है। अब लिखने के बहुत सारे वेज होते हैं या स्टाइल्स होते हैं, आप सबको वो यही पता होगा, और फॉन्ट्स होते हैं। अब इन सब चीजों को मैं बंद कर रही हूँ पहले तो, और हम ऑन कर रहे हैं विंडो में जाकर टाइप, लास्ट पर जाके ऑप्शंस हैं, ठीक है। अपने इस एरो पर क्लिक करना है और लास्ट जाना है, टाइप आएगा और टाइप में से आपने ये करेक्टर को ओपन कर लेना है। करेक्टर ओपन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप की विंडो आपके पास आ जाएगी। ये जो बाकी इसके साथ चीजें हैं मैं इन सबको बंद कर रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मे बी आप सबका कुछ इस तरह से खुले, इसी तरह से जैसे हमने स्ट्रॉक की ऑप्शन की थी वैसे ही इन लाइन पर क्लिक करें एंड शो ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि आपको ये सारे का सारा नजर आने लगे। जब आप करेक्टर वाला विंडो ओपन कर लें तो फिर मुझे आपसे बताना है ताकि फिर हम आगे चलें।